नमस्कार, MSW न्यूज में भविष्य के डॉक्टरों का स्वागत है। आज यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको तमिलनाडु की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट 2019 में 5 कॉलेजों की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा। उसमें हमने 5 कॉलेजों की कट ऑफ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम अगले 5 कॉलेजों की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मद्रास मेडिकल कॉलेज है। अगर आप मद्रास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप OC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 549 नंबर की ज़रूरत है। फॉर MBC, अगर आप MBC या DNC से बिलोंग करते हैं तो आपको 477 नंबर की ज़रूरत है। वहीं अगर आप BC से बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन 515 नंबर में होगा। अगर आप BCM से बिलोंग करते हैं तो आपको 470 नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 400 नंबर की जो है ज़रूरत रहेगी। अगर आप SCA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 355 नंबर में जो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। मद्रास मेडिकल कॉलेज एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह है हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है। इसके आसपास ही आपकी जो है रियल रिजल्ट भी आ सकता है। अगली बात करें तो स्टैनली मेडिकल कॉलेज, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो OC के लिए 504, BC के लिए आपको 560 नंबर की ज़रूरत रहेगी। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 367 नंबर की आपको आवश्यकता होगी। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 314 नंबर में जो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप MBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 431 नंबर में आपका एडमिशन होगा। अगर आप BCM कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 432 नंबर की जो आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप SCA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 339 नंबर की आपको आवश्यकता रहेगी। जो यह कट ऑफ है, यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है और यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट 2018 की कट ऑफ और इस बार के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके डिफ़िकल्टी लेवल और उसके जो कितने जो स्टूडेंट्स ने दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और अब की बार जो सीट्स इंक्रीज हुई है, इन सब को कैलकुलेट करके कंप्लीट एनालिसिस करके बनाई गई डेट शीट है। इस पर आप टेस्ट कर सकते हैं। अगला है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है OC के लिए 615 और BC के लिए आपको 660 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी अब की, और SC के लिए आपको 410 नंबर में जो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 385 नंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप MBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 431 नंबर में जो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप BCM कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 354 नंबर में आपको जो है एडमिशन होगा। अगर आप SCA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 315 नंबर की आपको ज़रूरत रहेगी। और अब नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो PGS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैनेजमेंट कोटा से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन में आपको बहुत ही कम जो है मार्क्स की आवश्यकता है। अगर आप यहां से मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। अगर आपके कम नंबर भी आए तो भी आपका एडमिशन पक्का यहां पर हो जाएगा। अगर आप OC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 140 नंबर में आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। पिछली बार तो इससे भी कम में एडमिशन हो रहे थे। अगर आप BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 237 नंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा। SC में जो है 169 नंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 नंबर की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप MBC से एडमिशन लेना चाहते हैं तो 225 में आपका एडमिशन होगा। अगर आप BCM में से एडमिशन लेना चाहते हैं तो 210 में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप SCA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 230 नंबर की जो है आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप PSG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं तो आपको OS के लिए 420 नंबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहीं आपको BC के लिए 378 नंबर में आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 276 नंबर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 180 नंबर में आपका एडमिशन होगा। अगर आप MBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 240 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप BCM कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 नंबर में आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। अगर आप SCA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 218 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और आपका इस कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा के तहत जो है आसानी से एडमिशन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने जो नीट की कट ऑफ के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार की है और उसमें आपको तमिलनाडु, कर्नाटका और अदर स्टेट और ऑल इंडिया कोटे के तहत की सारी सीटों की इन्फॉर्मेशन है। इसलिए उसे जा करके ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आगे है कोयम्बटूर अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और ओएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो है आपको 477 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 445 नंबर की ज़रूरत रहने वाली है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 350 नंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 271 नंबर में जो आपका एडमिशन होगा। अगर आप एमबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 390 नंबर की जो आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। अगर आप बीसीएम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 418 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप एससी ए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 305 नंबर में जो है यहाँ पर आसानी से एडमिशन हो जाएगा। ज़्यादा अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए, हम आपको आने वाली अपडेट और आगे देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो अभी एक पार्ट और इसका बनाना बाकी है जिसमें हम आपको बचे हुए कॉलेजेस की जो है कट ऑफ लिस्ट बताएंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।